अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आप लोग सारे मसरूफ़? नहीं, मैं ही मसरूफ़ थी। आप लोग सोच रहे होंगे भैया रूसा खान कहाँ चली गई, कहाँ है इसके व्लॉग्स, अभी तक क्यों नहीं आ रहे? सब लोगों को मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार होगा। तो जनाब ये देखो, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आगे जाके बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखो बाहर के मुल्क का ये नुकसान भी है, फ़ायदा भी है कि चलो यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऐसे मुझे ऐसी जगह पसंद है कि बंद कोई भी ना हो, बंदा आराम से चल फिर ले तो ना। लेकिन समझ नहीं आती इतना सन्नाटा क्यों है। और तो रात को तो समझो कि ऐसा लगता है इससे कोई है ही नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आता, सारे अपने अपने घरों में। जनाब ये हम आ गए हैं कॉर्निच बीच। लेते हैं रुके तो सही। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और जनाब यहाँ पर आके मुझे इतना मजा आया, यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे बादल नीचे ही आए हुए हैं। लोग बड़े मज़े से पानी के अंदर डुबकियां लगा रहे थे, देर डुबकी पे डुबकी लेकिन जब मैं गई ना पानी में, अच्छा है वैसे सही कहते हैं पानी के अंदर ना कशिश होती है, पानी जो है ना वो अपनी तरफ खींचता है, और सेम ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे बादल ही नीचे आए हुए हैं। ओके वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक और ये वाइट वाले पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे, मैं तो बगले ही कहती हूँ, मुझे बगले ही थे वैसे ही कहती क्या हूँ। इतना मुझे मज़ा आ रहा था इनको देखकर, फिर लोग उड़ा रहे थे, मैंने कहा मैं भी उड़ाऊँगी। और ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही थी और मेरे मोहतरम मुझे यहाँ पर तंग कर रहे थे, तो बस कर दो कितनी वीडियो बनाओगे, मैंने कहा भाई बनाने दो, क्या हो गया है, यही तो मज़े होते हैं, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के, अब बंदा आया है तो एंजॉय भी ना करे। चलो जी फिर मुझे बनाने दिया, मैंने कहा मेरी भी बनाओ। और यहाँ पर मुझे शौक चढ़ रहा था ना पानी को देख के कि पानी के अंदर मैं जाऊँ। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी ना कराची, जब मैं गई थी उसके बाद से मैंने पानी को हाथ नहीं लगाया। अब ये मैं डर भी रही थी पानी के अंदर जाते हुए, लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। फिर मैं इनको कह रही थी मुझे मेरी अच्छी अच्छी सी वीडियो मेरी बनाओ पानी के अंदर मैं जा रही हूँ। मेरे दिल तक थोड़ा सा मैं पानी के अंदर गई हूँ, फिर ना मेरा दिल दोबारा हुआ, मैंने कहा चलो दोबारा जाती हूँ। फिर मैं दोबारा अंदर चली गई पानी के। फिर अब हम शाम हो गई, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा सनसेट का भी जो व्यू है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यार कसमें इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना ये व्यू कि मैं आपको क्या बताऊँ, सच्ची बहुत मज़ा आ रहा था। तो अब जनाब आ गई है बारी हमारी वापस घर जाने की, और यहाँ पर आकर हमें बहुत मज़ा आया। मोहम्मद जाबिर ने यहाँ पर अब रोना स्टार्ट किया हुआ है। तो चलो खा लिया पी लिया, पेट पूजा हो गई, आ जाओ चलते हैं। अब हम आ गए हैं बाहर और हम जा रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि हम वापस घर जाएं या घूमते ही रहें। असल में हमारा जो एक अदद मुन्ना चुना है इसने बह बह लगा दी है तो हम ये सोच रहे हैं कि इससे पहले कि ये और ज़्यादा रोए तो हम लोग चलते हैं घर। लेकिन मेरे मोहतरम साहब कह रहे हैं और जगह भी तो हैं घूमने के लिए, हम यहीं पर ही और घूम लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी रोने की, तो हम उसको और नहीं रुलाते और हम चलते हैं घर की तरफ। और ये मौसम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो फाइनली हम अपने मुन्ने को सुलाने में कामयाब हो चुके हैं और अब हम आगे निकल चुके हैं अपनी मंजिल पर, और हमने सोचा है चलो भाई और घूम लेते हैं, तो अब हम और घूमने जा रहे हैं। और जी वेदर चेक करें भाई, वाओ। और जनाब हमारी तरह यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि हम जिस तरह से अभी रोड पर जा रही है जी कार और हम भी इसी उस पर रोड पर जा रहे हैं, ना भाई। कार के लिए अलहदा है, साइकिल के लिए अलहदा है, और वॉक के लिए अलहदा है। मतलब तोबा, हमारा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और ये वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, और बंदा आराम से सुकून से जा सकता है।
कोई खतरा नहीं होता कि कोई हमें मार के चला जाएगा। ये देखो ये वाला जो इन्होंने बना रखा है ना, ये है साइकिल, यहाँ से साइकिल जा सकती है। और ये देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हम यहाँ गुजरेंगे, अगर यहाँ से कोई कार वगैरह आ भी रही होगी तो वो हमें देख कर रुक जाएगी। और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई आ जा रहा होगा तो कोई कार या ये हमें देख के रुकती नहीं है, बहुत कम रुकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी तो ठोक के चले जाते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि हमने किया क्या है। खैर इससे आगे हम चले गए थे, लेकिन वो चीज़ सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मोबाइल की जो स्टोरेज थी वो फुल हो चुकी थी। तो यहीं पर ही फिर मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय कर देती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करना और जल्दी जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइब करवा दो मेरे प्यारे लोगों। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ रूसा खाना आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो जाएगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।